फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं आर्टेरियोस्क्लेरोसिस और एथेरोस्क्लेरोसिस होता क्या है और कैसे इस समस्या को मैनेज किया जाए ताकि बड़ी समस्याएं न उत्पन्न हो सकें। आज की डेट में जितने भी हार्ट संबंधी समस्याएं हैं, चाहे हाई ब्लड प्रेशर हो, लो ब्लड प्रेशर हो, या चेस्ट पेन हो, हार्ट का पेन हो, एंजाइना पेक्टोरिस का पेन हो, इन सबके रूट में जो फैक्टर है वो फैक्टर है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस और एथेरोस्क्लेरोसिस। यूं समझ लीजिए कि जितने लोगों की हार्ट संबंधी दिक्कतें हैं उसके पीछे यही दो फैक्टर हैं, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस और एथेरोस्क्लेरोसिस। अगर आर्टेरियोस्क्लेरोसिस और एथेरोस्क्लेरोसिस किसी भी पर्सन को ना हो तो हार्ट संबंधी बीमारियां उत्पन्न होने की संभावना 0% हो जाएगी। तो इस वीडियो में यही हम लोग समझते हैं कि आर्टेरियोस्क्लेरोसिस और एथेरोस्क्लेरोसिस होती क्या है और किस तरह से बॉडी को अफेक्ट करती है, पूरी बात समझते हैं। वीडियो अंत तक देखिए, सब कुछ ठीक से समझ में आएगा। तो देखिए, जो पहला टर्म है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, इसका मतलब क्या हुआ कि आर्टरी जो है हार्ड हो जाएगी और स्टिफ हो जाएगी, यानी हार्डनेस एंड स्टिफनेस ऑफ आर्टरीज। फैक्टर क्या है? ओल्ड एज की वजह से और दूसरा लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से। तो देखिए, नॉर्मली जो आर्टरीज होती है ना, ये जैसे मान लीजिए आर्टरी है, तो इसमें जब ब्लड फ्लो करता है तो ब्लड फ्लो करता है तो इस तरह से हो जाती है, जैसे यहां पे ऐसे, ठीक। फिर ब्लड आगे बढ़ जाएगा तो यहां पे ऐसे हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि देखिए, ब्लड ऐसे फ्लो कर रहा है तो ब्लड प्रेशर के साथ फ्लो करता है, नॉर्मल कंडीशन है, फ्लो करता है। जब फ्लो ब्लड आगे चला जाएगा तो फिर उसी तरीके से हो जाएगी। अगर ये हार्ड हो गई, अगर ये हार्डनेस हो गई और इसमें स्टिफनेस आ गया, तो जब ब्लड फ्लो करेगा तो इसका डायमीटर बढ़ेगा नहीं, क्योंकि इलास्टिसिटी कम हो गई है। जब इलास्टिसिटी कम हो गई है तो ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करता है। यानी ओल्ड एज में और लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से आर्टरी की जो इलास्टिसिटी है वो कम हो जाती है, और इलास्टिसिटी कम हो जाएगी तो ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, लो हो सकता है। इस तरह की समस्याएं जनरेट हो सकती हैं आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की वजह से। इसी जैसा मिलता हुआ दूसरा टर्म है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि नैरोइंग ऑफ आर्टरीज, आर्टरी क्या हो जा रही है, नैरो हो जा रही है। जैसे मान लीजिए नॉर्मली डायमीटर इतना है और इसका जो डायमीटर कम हो गया, कम इसलिए हो गया कि इसमें फैट का डिपोजिशन हो गया। तो देखिए, पहले डायमीटर इतना है व्यास, अब व्यास क्या हो गया, थोड़ा सा कम हो गया। तो नैरोइंग ऑफ आर्टरीज इज नोन एज एथेरोस्क्लेरोसिस। नैरो हो जा रही है उसको क्या बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस। क्यों हो जाती होंगी? ड्यू टू कोलेस्ट्रॉल फैट डिपोजिशन, क्योंकि जो आर्टरी है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल फैट का क्या हो जाता है, डिपोजिशन हो जाता है, डिपोजिट हो जाती है। तो इस वजह से दोनों अवस्थाओं में, चाहे आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो चाहे एथेरोस्क्लेरोसिस हो, दोनों अवस्थाओं में संबंधित भाग को, जिस भाग में ब्लड सप्लाई हो रही है, संबंधित भाग को ब्लड कम पहुंचेगा। कम मतलब जितनी जरूरत हो, कम उसको बोलते हैं जितनी जरूरत है, उससे अगर नहीं पहुंच पा रहा उतना तब उसको कम बोलते हैं। तो कम ब्लड पहुंचेगा, अगर ब्लड कम है तो ऑक्सीजन भी कम पहुंचेगा, ब्लड कम है तो ऑक्सीजन भी कम होगा, और जब ऑक्सीजन कम होगा तो उस भाग में एनर्जी कम होगी, ऊर्जा कम बनेगी ना? अब अगर ऊर्जा कम होगी तो सीधी सी बात है कि वहां पे क्या स्टार्ट हो जाएगा, दर्द स्टार्ट हो जाएगा। तो संबंधित भाग को अगर ऑक्सीजन कम पहुंचेगा तो एनर्जी कम बनेगी, इस वजह से उस भाग में दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो जो हर्ट का जो पेन है, या फिर उसमें देखिए थोड़ी देर आप मोशन करते हैं तो दर्द स्टार्ट हो जाता है। कुछ लोग बोलते हैं कि 5-7 मिनट हम चलते हैं तो दर्द स्टार्ट हो जाता है, तो रेस्ट में रहते हैं तो कोई दर्द नहीं होता। तो चलने फिरने से दर्द इसीलिए स्टार्ट हो जाता है कि उस भाग में जितना ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए उतना ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, एनर्जी की डिफिशियंसी हो जाती है, और एनर्जी की डिफिशियंसी हो जाती है इस वजह से पेन स्टार्ट हो जाएगा।
तो एनर्जी की डिफिशियंसी की वजह से पेन अगर स्टार्ट हो जा रहा है तो उसके पीछे बस दो ही रीजन है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस और एथेरोस्क्लेरोसिस। इस समस्या से निजात कैसी पाया जाए? दिनचर्या को संतुलित रखना पड़ेगा पहली चीज, और जितनी भी तेल घी फैट ऑयल वाली चीजें हैं उसको कम करना पड़ेगा। तो देखिए क्या करें कि जो इसकी जो इलास्टिसिटी कम हो गई है उसको कैसे बढ़ाया जाए, तो आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना पड़ेगा ना, रेगुलर एक्सरसाइज करना है। तो जो आर्टरी और वेन है उसकी में जो इलास्टिसिटी जो कम हो गई है, जो स्टिफनेस आ गई है, उससे आप निजात मिल सकती है। और दूसरा, अगर एक डिपॉजिट हो गया है तो आपको तेल घी ये सब कम करना पड़ेगा, और उसके साथ दालचीनी पाउडर 1 छोटा चम्मच 1 कप पानी में 5 से 7 मिनट उबालें, फिर छान कर पी जाएं रोज सुबह खाली पेट। तो जो सिन्नामोन है, जो दालचीनी है, इसके अंदर ब्लड थिनर भी पाए जाते हैं जिसको सलिसिलेट बोलते हैं, और इसके अंदर ढेर सारी प्रॉपर्टीज हैं, तो आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं। तो आपने वीडियो यहां तक देखा तो बात समझ में ही आ रही होगी, तभी आप यहां तक देख रहे हैं। तो प्लीज इसको लाइक करिए, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नया नोटिफिकेशन आपको मिले और आपकी जानकारी बढ़ती रहे। तो आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।